ये माइंड मैप आपके पास पहुंचेगा टेलीग्राम पे राइट right? हम लोग सब कुछ रिवाइज करेंगे आज विल रिवाइज एवरीथिंग टुडे। बट वी वोंट बी डूइंग क्वेश्चंस टुडे इन दिस सेशन आई विल गिव यू सम टाइम। आई वांट यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर साउंड बिकॉज साउंड इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड सीन ऑफ यू गेट्स केयर्ड बिकॉज ऑफ साउंड है सो डोंट वरी

इनको जरूरत नहीं होती है राइट दे आर कॉल्ड नॉन क्वेश्चन इट्स पॉसिबल टू कम ठीक है चलो नेक्स्ट मैकेनिकल वेव की बात करें अगर सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव एज सच ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव क्या होती है जहां पर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन भाई जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करता है ना मीडियम के पार्टिकल्स ऑपोजिट और आई वुड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं इसका मतलब लुक एट दिस लुक एट दैट दैट ट्रांसफर्स वाले वेव को देखो इफ यू टेक अ थ्रेड एक रोप अगर लोगे एंड इफ यू डू दिस व्हाट इज हैपनिंग सर रोप आई एम जस्ट डूइंग अप एंड डाउन बट व्हाट डू यू सी आपको लगता है कि ऐसे है ना

अब बात करेंगे हम लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है भाई हमने बात कर ली वेव्स की ठीक है अलग अलग टाइप की वेव्स की अब बात आते हैं साउंड पे साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है ना साउंड को ओरिजिनेट कैसे करते हैं वाइब्रेशन से राइट वी नीड अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस साउंड एंड बच्चों वन शॉर्ट में तो वी हैव डन वेरी मच वेरी मच एवरी थिंग इन डिटेल राइट गो अहेड, बेसिक्स क्लियर किए बिना बच्चा आप यहाँ पे बिना बेसिक्स so के रिविजन करने का मतलब नहीं है किसको देखा है आपने करते हुए गो अहेड वॉच द वन शॉर्ट सेशन एंड देन यू कम बैक आई एम टेलिंग यू ठीक है नहीं तो नुकसान हो रहा है ठीक है ध्यान से सुनो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए हमको साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए सराउंडिंग पार्टिकल वाइब्रेट क्या होता है when a, when a object vibrates,

ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम देन रीचिंग आर इन हाउ वीयर इट भाई मैं तो यहां बोल रहा हूं बट यू ओवर कैन हेयर मी आउट कैसे बीच में क्या है? है, है, सर, आई है लेकिन एटलीस्ट कैमरे और मेरे बीच में तो एयर है ना बट स्टिल कैमरा कैन हेयर मी दैट्स वाई ठीक है अब सुनो साउंड वेव कौन सी है ट्रांसफर्स है लॉन्जिट्यूडनल है एंड दिसरी बिग क्वेश्चन वाई आल टेल यू

ठीक है है जी साउंड वेव वेव इज क्लियर ट्रांसवर्स नहीं होता गलती नहीं चाहिए मेरे कोल राइट right, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड सो ये हो गया अबाउट प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड अब हम बात करते हैं प्रोपोगेशन में थोड़ा और आगे जाके इन योर बुक दिस इज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट वाई एम शोइंग दिस टू यू बिकॉज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इमेजेस और डायग्राम्स और एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं भाई सोचो

बेल का जो गॉन्ग है दैट इज वाइब्रेटिंग बट एयर इज नॉट देयर टू उसको आगे लेके जाने के लिए राइट सो दैट्स आगे साउंड ही नहीं जाएगा एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंट विच इज पॉसिबल वी है हम तो कभी बात करेंगे इस पर आराम से लेकिन ये हमने देखा हुआ है ठीक है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं फाइन ऑल राइट चलो जी ये हो गया प्रोपोकेशन ऑफ साउंड के ऊपर कहानी नाउ देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव एंड दिस इज वेयर न्यूमेरिकल आना चालू होते हैं इससे ठीक है

हाउ डू वी सी वन वे बोलते हैं देखो भाई दीज टॉप क्रस्ट दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो क्रेस्ट ले लो वो एक वेव है दो ट्रफ ले लो दैट इज वन वेव अदरवाइज यू कैन टेक टू मेन पोजिशन बट इन फेज इन फेज बोलने का मतलब है सेम डायरेक्शन में यह ऊपर से नीचे जा रहा है यह भी ऊपर से नीचे जा रहा है राइट सो दिस इज ऑल्सो वन वेव सो एक वेव किसको बोलते हैं हाउ डू यू डिमार्केट वन वे दैट इज समथिंग वी ऑल शुड बी वेरी क्लियर विध क्योंकि गलतियां बहुत हो जाती हैं हमसे इसमें ठीक है right. Now, सुनो द लेंथ ऑफ वन वेव द डिस्टेंस दिस वन वेव कवर्स इज कॉल्ड एज वेव का लेंथ और लेंथ राइट सो दैट वाई वेव लेंथ द डिस्टेंस ऑफ वन वेव राइट ना फ्रीक्वेंसी इज अनदर इज फ्रीक्वेंसी भाई नंबर ऑफ वेव्स

shrillness of the sound increases if frequency decreases pitch decreases right the voice becomes deep heavy है ना heavy voice की pitch low होती है frequency low होती है frequency ज़्यादा होगी तो pitch ज़्यादा होगा तो shrillness ज़्यादा होगी understanding this okay fine so that's why ये छोटी सी चीज़ है but it's extremely important fine pitch को बोलते हैं shrillness depends on frequency directly proportional like तरह से मान के चलो ठीक है all right चलो बच्चों आगे चलते हैं now next is द लाउडनेस नाम में ही इंडिकेशन है राइट वी हैव अ हिंट इन द नेम लाउडनेस हाउ लाउड द साउंड इज इफ यू स्ट्राइक द टेबल स्लोली इफ यू स्ट्राइक इट जोर से है ना एवरीथिंग इज हाउ हार्ड यू स्ट्राइक एंड दैट वाई दैट इज हाउ यू विल सी द लाउड साउंड इज प्रोड्यूस्ड करेक्ट है ना तो यही एक्सपेरिमेंट है ड्रम को हल्के से मारो जोर से मारो सिंपल सी बात है आप अगर ड्रम के ऊपर सॉल्ट के सॉल्ट uh, स्प्रिंकल कर दोगे जोर से मारोगे सॉल्ट विल जंप टू अ हायर लेवल इफ यू स्ट्राइक इट स्लोली सॉल्ट विल जंप टू अ लोअर लेवल इससे कुछ नहीं ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है तुम्हारी एनसीआर बुक में ठीक है लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीटूड ऑफ द साउंड कितना एम्पलीट्यूड है साउंड का ना दैट डिटरमाइंस कि कितनी लाउडनेस होगी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा लाउडनेस भी ज्यादा होगी आइडियली इट इज लाइक स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड बट स्टिल अभी सोच के रखो कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी बस ठीक है है ना फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू पिच एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस इसको ऐसे बोल सकते हैं फिलहाल समझने के लिए ठीक है ऑल राइट right. चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट छोटा सा बट वेरी आई वुड से डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज क्वालिटी और टिम्बर

क्वालिटी की बात अगर हम करें तो ये इफ यू सी दिस वेव फॉर्म्स नो इनको बोलते हैं टोन्स एंड ओवर टोन्स टोन्स और ओवर टोन्स का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हमको लगता है क्वालिटी डिफरेंट है राइट सो दैट्स व्हाई इसीलिए इट इज द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिस्टिंग्विशेस टू साउंड्स ऑफ सेम एप्टीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जस्ट टू गिव यू अ फील ऑफ क्वालिटी आई टोल्ड यू ठीक है सिंपल सी बात सोचो सेम नोट अगर तुम बजाओगे पियानो के अंदर गिटार के अंदर सितार के अंदर वेरेवर यू विल सी द डिफरेंस व्हाई क्वालिटी ठीक है फाइन क्लियर ओके

In gases, molecules are very far apart. If you if you think about it, molecules are very far apart. Oh oh hai na so that's why it's it's kind of even slower than liquid So that's why you can see in iron, speed of sound is 5950 meter per second. Water में कितना है? 1531 meter per second. Air में कितना 346 meter per second, right? So आपको difference दिख रहा है and this is about temperature. मतलब temperature पे sound depend करता है, ठीक है? कैसे करता है? क्यों करता है? बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है? Alright, very good. So speed of sound matters different on what medium it is traveling. Okay? Alright. Next is reflection of sound. Bhai, sound it can be reflected. Kaise? This small experiment is there in your in your NCRD book also. If you shout in front of a wall, sound will go and will be reflected as hoga.

उंडक्शन ऑफ एक्को में एक खास बात है इट इज डिस्टिंक्ट यानी कि अगर आप जाओ लेट्स एक्को पॉइंट होते हैं हिल है स्टेशन पे. इफ यू गो एंड शाउट ओवर देर हेलो. थोड़ी देर बादलो हेलो है ना सो एक्स डिस्टिंग यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन वट यू शाउटेड और वॉट द सोर्स शाउटेड और रिफ्लेक्टेड साउंड और प्रोड्यूस साउंड में डिफरेंस है

आवाज गूंजती है इट रिवर्व है ना रिवर्बरेशन होते हैं उसमें, बेड जाएगा, है जाएगा फलाना इधर उधर उधर करते करते then the reverb goes down. ये कर लेते हैं साउंड को यहीं पर इस स्टूडियो में लगे हुए हैं साउंड प्रूफिंग मटीरियल राइट वाई ठीक है सो दैट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन इट इज पॉसिबल और राइट ना अब बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड

फी इज मशीन ठीक है अल्ट्रासोनोग्राफी इज द मेथड इन विच वी यूज अल्ट्रासाउंड टू क्रिएट इमेज ऑफ द वूम राइट है स्टोन को तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं क्रैक डिटेक्शन एक बड़ा सा ब्लॉक है लेथ से एंड यू वॉन्ट टू सी इधर इज स्म क्रैक इन और नॉट इसको अल्ट्रासाउंड से चेक किया जा सकता है ठीक है सो दैट वीज अरसाउनिक

they send ultrasound it strikes an object comes back and that's how they get to know कितना दूर है कितना पास है ठीक है Now I want to tell you one small thing. देखो इन सारे क्वेश्चंस में ना एक चीज है Sound जाएगा let's say d distance travel करके वापस आएगा d डिस्टेंस ट्रैवल करके टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा सर जी 2d कितना टाइम लगा यू विल रिकॉर्ड इट 2d अपॉन t ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड दिस इज वन फॉर्मुला ऑन विच ऑलरिकल हैथिंग दिस माइंड में कुछ तो काम आ जाएगा रिवाइज इट प्रॉपरली टेक अ प्रिंट आउट और इसके ऊपर एक्स्ट्रा थिंग वट एवर यूट जस्ट एट दम लेकिन माइंड मैप इज अ वेरी नाइस वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ फॉर अविक रिविजन ठीक है इसको अच्छे से यूज करना बच्चों

शायद किसी और को पढ़ने की जरूरत हो शायद किसी और को अच्छी क्वालिटी फ्री एजुकेशन की जरूरत हो राइट गो अहेड टेल देम अबाउट इट एंड सब्सक्राइब राइट नाउ इफ यू हैव डन बहुत कुछ मिस कर रहे हो ठीक है ऑल राइट सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन टेक केयर बाय बाय